हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे क्लास 11th की एमसीक्यू की सीरीज। जो अब की बार हमारा एग्जाम्स होंगे उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो उन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे जो डेली रात को 9 बजे लाइव आएगी, ठीक है। और हर एक वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी, और ये जो जे थॉमसन है वो कहाँ का था, इंग्लैंड का साइंटिस्ट था। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कब थी, 1897 के अंदर, 1897 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है कि 108 ग्राम सिल्वर के अंदर सिल्वर के कितने एटम्स आ जाएंगे। अब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर क्या है, देखो, अगर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, कोई भी एलिमेंट दिया हमने, जो उसका ये एटॉमिक वेट होगा ये वाला, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे सिल्वर के केस में लिखा है 108। जो सिल्वर होगा उसके यहाँ पे हम लिखते हैं 108। तो ये जो एटॉमिक वेट होता है, चाहे वो किसी का कितना भी एटॉमिक वेट हो, उसके अंदर हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इतने एटम्स। तो सिल्वर के जो सिल्वर होगा उस वो उसको मास कितना दिया है, 108 ग्राम। तो 108 ग्राम इसका एटॉमिक वेट है, तो इस वजह से इसमें इतने एटम्स मिलेंगे सिल्वर के। अगर हम बोलते कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, तो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम के अंदर भी सोडियम के इतने एटम है। 13 ग्राम ऑफ कार्बन, तो कार्बन के इतने एटम है। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो इसके अंदर भी जो सिल्वर के इतने एटम्स होंगे, ठीक है। कई बार हमें ये दिया होगा, जैसे 200 ग्राम ऑफ सिल्वर, इसके अंदर बताओ सिल्वर के कितने एटम होंगे, तो हम निकाल सकते हैं 108 के अंदर इतने होंगे, 108 ग्राम के अंदर कितने होंगे, इतने एटम होंगे, 1 ग्राम के अंदर इतने, और 200 के अंदर मल्टीप्लाई बाय 200। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा 12th क्लास में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा यूज्ड कॉन्सेप्ट है, मीन्स डायरेक्टली बहुत कम पूछते हैं, लेकिन वहां पे जो न्यूमेरिकल दिए होंगे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइटिंग वैक्यूम, ये मोस्टली सबको पता होगा कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइटिंग वैक्यूम, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, वो 1 सेकेंड में इतने मीटर ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 10⁻ में, जो 10⁻ है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे तो 10⁻ कितनी है, 8 है, तो क्या ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। तो उससे पहले हमें ये टर्म भी देखनी पड़ेगी, अगर ये टर्म 5 से स्मॉल होती है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन अगर यही टर्म होती 6×10⁸, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता 10⁻⁹। अगर यहाँ पे टर्म 5 से ग्रेटर है तो उस टाइम पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 1 इंक्रीज हो जाता है, और 5 से कम है तो एज इट इज रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10⁸।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑब्जेक्ट इज वेटेड ऑन मून. एक ऑब्जेक्ट को हमने मून पर उसका वेट देखा और एक ऑब्जेक्ट का हमने अर्थ के ऊपर देखा. इफ देयर वेट आर इक्वल, अगर यहाँ पे इसका वेट W1 है, यहाँ पे W2 है और दोनों वेट इक्वल आ गए. अब हमें पता है यहाँ पे ग्रेविटी Z1 नॉट इक्वल टू होती है Z2 के, और वेट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, M1 Z1, M2 Z2. अब W1 और W2 तो इक्वल है, लेकिन Z1 और Z2 इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है. तो मास को भी क्या होना पड़ेगा, अलग अलग होना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 6, वेट कितना 6, अगर यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मास को होना पड़ेगा 3. अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, मान लो 3 है, तो मास को होना पड़ेगा 2. ये फॉर एग्जाम्पल है. अर्थ के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्के, और मून के ऊपर होती है इसकी 6 times 6 से डिवाइड कर दो, 1.4 समथिंग आएगी. तो यहाँ पे इतनी होती है, ये हमने फॉर एग्जाम्पल लिया. तो देखो अगर जी की वैल्यू यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, तो प्रोडक्ट सेम लेकर आने के लिए हमें मास को भी क्या करना पड़ेगा, अनइक्वल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मास भी क्या होगा, अनइक्वल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस. तो करंट को दिखाते हैं आई से, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि डायमेंशन ऑफ करंट, करंट के डायमेंशन क्या होगा, M0, L0. अब T को ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 और चार्ज को एज इट इज पुट कर देंगे, तो इसका डायमेंशन होगा M0, L0, T-1, क्यों. तो ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे. देखो सेवेंथ क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू दी है AT+BT2, टी टाइम है, एफ फोर्स है, तो ए और बी का डायमेंशन हमें बताना है कि ए और बी का डायमेंशन क्या होगा. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझने का, कि जो लेफ्ट में ड्रम है वो है फोर्स, तो राइट में चाहे कितनी भी ड्रम्स हो उन सभी का डायमेंशन अलग अलग फोर्स के इक्वल होगा. मतलब फोर्स इज इक्वल टू एटी और फोर्स इज इक्वल टू BT2, यहाँ पे ये वाली चीज होगी, एटी और फोर्स इज इक्वल टू BT2, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हमें बताना है ए का डायमेंशन, तो इसके लिए फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और डिवाइड बाय टाइम, तो कितना हो गया MLT, टी को ऊपर लेकर जाओ -3, तो ये आ गया ए का डायमेंशन. इसी तरह MLT-2 डिवाइड बाई T² इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे बी का डायमेंशन कितना आएगा, MLT-4, तो ये आ गया बी का डायमेंशन और हमारा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए. सिंपली करना है, जितनी भी टर्म्स है एड या सब्ट्रैक्ट की हुई है उस पूरी की पूरी टर्म को फोर्स के इक्वल पुट कर दो, पूरी की पूरी टर्म को. जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, हम एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, फोर्स इज इक्वल टू 6 pi eta a v. तो यहाँ पे ईटा का डायमेंशन हमें निकालना है, ईटा का डायमेंशन कितना होगा 6 pi a v, फोर्स का MLT-2, 6 pi कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. ए स्टैंड्स फॉर रेडियस,
ए का मतलब रेडियस, रेडियस का डायमेंशन होता है एल, बी का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक एल से एक एल कैंसल, एम एल को ऊपर लेकर गए माइनस वन, टी को ऊपर लेकर गए प्लस वन, तो कितना बच गया माइनस वन। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, सिंपली हमने कैलकुलेट कर दिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन देखो। देखो देखते कितने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया दैट मीन्स तुम डायमेंशनल फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी होगा सॉल्व करना, ठीक है। तो ये तरह से इसको चैलेंज की तरह लेना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो कि कितने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो v किसके इक्वल होगा at, और वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके इक्वल होगा, वेलोसिटी का lt माइनस वन a, टाइम को नीचे ले जाओ t, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस टू, हो गया सॉल्व। तो ये तो इजी सा था, पॉइंट यहाँ पे आता है कि इस पार्ट को कितने स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है टी टाइम है, सी को बताना है हमें क्या करना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि हमें बताना है बी का भी डायमेंशन और सी का भी डायमेंशन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हमें दो क्वांटिटीज को एड करना है तो हम इक्वल क्वांटिटीज लेंगे, मतलब मास के अंदर हम लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, मास के अंदर मास ही ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ऐड होगी, टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे ऐड होगा तो सी की वैल्यू टाइम ही होगी, तो सी का डायमेंशन टी होना कंपलसरी है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होने के लिए इक्वल क्वांटिटी होना चाहिए, मास मास में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, लेंथ लेंथ में, टाइम टाइम में, फोर्स फोर्स में, एरिया एरिया में, वॉल्यूम वॉल्यूम में। तो सी का तो आ गया टी। अब इसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसको लिखेंगे टी स्केयर, टी स्केयर में ये ऐड हो रही है, जस्ट टू टी बनेगा, टू एक कॉन्स्टेंट है तो इसको फिर से छोड़ दो, कॉन्स्टेंट होने की वजह से हमने टू को छोड़ दिया और एल टी माइनस वन, टी को उस साइड लेकर गए तो बी की डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया सिंपल एल, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसका ये वाला पार्ट था। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10th, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस, ए और बी के डिफरेंट डायमेंशंस है, ठीक है, जिसे ए में भी मास हो, ठीक है, बी में भी एक्सीलरेशन हो, बी में भी एक्सीलरेशन हो, कोई भी डिफरेंट क्वांटिटीज जिसको हम अपनी मर्जी से ले सकते, जरूरी नहीं है मास और एक्सीलरेशन लेना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन मीनिंगफुल होगा, अभी हमने बताया कि फिजिक्स के अंदर जो एड और सब्ट्रैक्ट होती है वो सेम क्वांटिटीज होती है, लेकिन ये तो दोनों डिफरेंट है, एक मास है और एक एक्सीलरेशन है, तो इसका मतलब ना तो हम इसको एड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच गया क्या, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। जो फिजिक्स होती है उसमें जो डिफरेंट क्वांटिटीज होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, डिवाइड दिया, अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई भी लगा देते। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। तो कल फिर आएंगे 10 क्वेश्चंस रात को 9 बजे।